आज का मुद्दा, ईवीएम की गर्मी और जेडीएस की मजबूरी। वाह भाई वाह, ईवीएम की गर्मी और जेडीएस की मजबूरी। जैनेट मैडम जी, पिछले मेरे ख्याल 4 साल से ज्यादा से ईवीएम चल रही है भारत में ये इलेक्शनों के लिए जी। आपको विश्वास है ईवीएम पे? हाँ या ना? ना। आज इलेक्शन कमीशन ने एक नया ही बहाना, रीजन, लॉजिक, जो मर्जी कह लो जी, कि ईवीएम जो है मशीनें वो उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में गर्म हो गई थी इसलिए मेल फंक्शन कर रही थी। मैं दाद देना चाहता हूं इलेक्शन कमीशन को कि यार ये तो नया था यार, पहली बार हुआ है ना इलेक्शन कमीशन जी कि मई के महीने में उत्तर प्रदेश में इतनी गर्मी पड़ी है या महाराष्ट्र में इतनी गर्मी पड़ी है, आज तक तो कभी पड़ी नहीं थी। अब ईवीएम जो है वो लोहा तो है नहीं, है तो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स। अगर है भी या गर्मी, तो जैसे आपने कहा कि उनको पता नहीं था कि गर्मी होगी, तो कोई सिस्टम तो अरेंज कर सकते थे ताकि गर्म ना हो। ये अब कौन? नहीं नहीं, मुझे लगता है ईवीएम को अगले गर्मियों में जितने इलेक्शन होंगे ना, वो साथ में ना बर्फ की पेटी और सिल्ली भेजनी चाहिए, उसके अंदर ईवीएम मशीनों को पैक करके भेजना चाहिए ताकि ईवीएम की मशीनें ना गर्म ना हो जाए। वाह भाई वाह। वोटिंग इतनी इतनी जरूरी फंक्शन है एक गवर्नमेंट के लिए। इट्स द वेरी बेस, द बैकबोन ऑफ आवर डेमोक्रेसी, कम ऑन। एंड इफ द इलेक्शन कमीशन कांट टेक द राइट स्टेप्स, अगर आप इंतजाम ठीक से नहीं कर सकते, तो आपका स्ट्रेटजी और मैनेजमेंट टीम अगर है भी तो क्या कर रही है? इसकी वजह से ईवीएम की मेल फंक्शन से कितने देश का पैसा खराब होगा, कितने लोगों को रोजे में इलेक्शनों की लाइन में खड़ा किया आपने, और कितने लोगों का जो दोबारा जाएंगे वोटिंग करने, टाइम बर्बाद हुआ है, काम पे जाना है, किसी कोई खर्चा बता सकता है कोई हमें कि इस मेल फंक्शन की वजह से भारत का कितना पैसा डूबा है, इलेक्शन कमीशन में कौन से इंप्लॉय की कितनी नौकरी गई है? पर सरकारी बाबू है ना, सस्पेंड हो जाएंगे फिर रीइंस्टेट हो जाएंगे। वाह ईवीएम की गर्मी वाह। दूसरा मुद्दा आज का, आपका जी होम टाउन है बेंगलुरु जी, कर्नाटक में जी, वहां के नव निर्वाचित मुख्यमंत्री, मतलब वहां नाटक अभी, नाटक तो फुल ऑन जारी है। पहले मैंने एक वीडियो बनाया था बेचारे येड्डुरप्पा, आज मेरे को ये वीडियो का टाइटल देना चाहिए बेचारे कुमारस्वामी, कहते हैं मैं मजबूर हूं, मुझे कर्नाटक की जनता ने फुल मैंडेट नहीं दिया, मेरे हाथ तो कांग्रेस के आगे बंधे हुए हैं। सर हेलो, पार्टनर हो या चीफ मिनिस्टर की गद्दी पे बैठे हुए एक मोहरा हो बस? इक्वालिटी नाम की कोई चीज सुनी है सर आपने? अगर इतना ही डर था तो क्यों बने चीफ मिनिस्टर? एग्जैक्टली, आपको लगता है कि आप यू आर अंडर द मर्सी ऑफ द कांग्रेस, देन यू शुड हैव टेकन द कॉल ऑफ नॉट बीइंग द चीफ मिनिस्टर। नो, अभी कैबिनेट आपका पहला मैंडेट था वही कि अगर आप मेरे साथ जुड़ना है तो चीफ मिनिस्टर मैं ही बनूंगा। उसके बाद आप कह रहे हो कि आई एम अ, रीड बिटवीन द लाइंस, आई एम अ पपेट बिकॉज आई डोंट हैव एनी अथॉरिटी टू मेक अ डिसीजन। अगर आप ऐसी चीजें बोलोगे तो अगले इलेक्शन में तो लोग आपको, जनता बेवकूफ है जी। नहीं जी नहीं, जनता बेवकूफ है, जनता भारत की बड़ी जल्दी भूल जाती है, जनता फिर जाके वही वोट करेगी। और येड्डुरप्पा अंकल ने तो कहा था 3 महीने भी सरकार नहीं चलेगी, अभी तो कैबिनेट मंत्रियों की डिसीजंस भी नहीं हुए कि कौन सा मंत्री कौन सी पार्टी का कौन सा भाग्य कौन सा डिपार्टमेंट संभालेगा, उससे पहले ही लो जी, येड्डुरप्पा अंकल को शायद भविष्यवाणी हुई होगी त्रिपुरा से है, वो भी 5,000 साल पहले कि ये सरकार टिकेगी नहीं, पर वो लक्षण तो नजर आ ही रहे हैं। मेरा सवाल यही है कि आप लोग लीडरशिप के गद्दी पे बैठते हो तो क्या सोच के बैठते हो? आई हैव टू बी अ रोल मॉडल टू द पीपल हु हैव वोटेड फॉर मी एंड गिवन मी दिस सीट, या ऐसे ही कुछ यू नो? डर लग रहा था तो मत बैठते गद्दी पे, पता नहीं था कि कोलिशन गवर्नमेंट्स कैसे चलती हैं, जो आपको पहले बहुत एक्सपीरियंस है मिस्टर कुमारस्वामी,
मत बैठते ना गद्दी पे, अब क्या मजबूरी, हरे हाय मेरे फार्मर्स का ये बड़ा प्यारा है मेरा कॉज, अगर मैं फार्मर्स के लोन्स वेव ऑफ नहीं करा पाऊंगा तो मैं गद्दी से रिजाइन कर दूंगा। पता था ना आपको कि आप कांग्रेस के साथ सरकार बना रहे हो, लेकिन पता क्या है इस सारे में ना, मुझे लगता है कांग्रेस ज्यादा प्रेशर में है। हु नीड्स दिस कोअलिशन इन कर्नाटका टू वर्क मोर, द जेडीएस और द कांग्रेस? द कांग्रेस वॉन्ट्स टू मेक अलायंसेज इन वेरियस अदर स्टेट्स, नॉट द जेडीएस मोस्ट लाइकली। तो प्रेशर तो सारा कांग्रेस पे है और रो रहे हैं जेडीएस वाले। चलो दर्शकों, रोज रात को 9:09 पे लाइव होते हैं और उसके बाद लाइव के खत्म होने के बाद कुछ ही चंद मिनटों बाद ये वीडियो आपको हमारे बाकी सारे सोशल मीडिया चैनल्स पे मिल जाया करेगा। कल तो 9:09 पे मिस्टर एंड मिसेस रॉबिन हुड है। हाँ। तो वो टाइम तो हम चेंज नहीं करेंगे और एक बहुत ही दिलचस्प कहानी लेके भी आएंगे कल, तो जरूर आइएगा। तो कल 9:09 पे आजकल करेंगे या 9:09 पे मिस्टर एंड मिसेस रॉबिन, मिस्टर एंड मिसेस रॉबिन हुड का टाइम चेंज नहीं हो रहा? नहीं। अच्छा, तो चलो जी फिर देखते हैं, हो सकता है ट्यूसडेज और थर्सडे शायद आजकल 9:09 पे ना हो, क्योंकि यहाँ तो डिसीजन मिसेस रॉबिन हुड ही लेगी। चलो करता हूँ जी कुछ डिसीजन, डिसाइड करता हूँ, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद।